हरबंसपुर आजमगढ़ के एक सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल के छात्र श्रेया तिवारी ने सुसाइड कर लिया। स्कूल के थर्ड फ्लोर पर से जाके उसने छलांग लगा दी। इसके पीछे क्या रीजंस हैं और किन्हें आरोपी बताया जा रहा है, आइए आज की वीडियो में पूरा डिटेल में समझते हैं। श्रेया तिवारी एक 11th क्लास की लड़की थी जिसने अपने टीचर्स को कहा कि आपने मेरी चेकिंग वेकिंग तो कर ली, पर जो मेरी पुरानी रेपुटेशन थी स्कूल में, क्या अब आप वो वापस ला सकते हैं। ये कहने के बाद वो स्कूल के तीसरे माले से जाकर छलांग लगा देती है। श्रेया की एक दोस्त का स्टेटमेंट है कि जब वहाँ के स्टूडेंट का फीस नहीं जमा होता है तो उन्हें लाइब्रेरी में बैठा दिया जाता है और उन्हें तब तक क्लासरूम में जाना अलाउ नहीं होता है जब तक उनका फीस पूरा जमा नहीं हो जाए। देखिए, ये फीस नहीं जमा होने की वजह से लाइब्रेरी में बैठाने का जो रूल है, ये आजकल हर 2 कौड़ी के स्कूल में फॉलो होता है, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल गधे होते हैं। जब बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो उसके पेरेंट्स को बोला जाएगा कि आपके बच्चे की पढ़ाई छूट रही है, और जब बच्चा स्कूल आएगा तो बोलेंगे कि आपके बच्चे की फीस नहीं जमा है, उसे लाइब्रेरी में बैठा देते हैं। और तो स्कूल वालों को क्या जल्दी थी जो उन्होंने खून के निशान पानी मारकर तुरंत मिटा दिया। श्रेया ने अपने टीचर्स को कहा कि आपने इतने स्टूडेंट के सामने मेरी बेइज्जती कर दी है, तो अब क्या आप मेरी पुरानी रेपुटेशन वापस ला सकते हैं। देखिए, यही बात मैंने अपने डार्क साइड ऑफ स्कूल के वीडियो में बताया था, जो कि यहाँ पे आ रहा होगा। रूल्स में तो ऐसा लिखा हुआ है कि आप बच्चे को फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, पर इस स्कूल में ये रूल फॉलो नहीं किया गया। इस स्कूल में क्या इंडिया के 90% स्कूल में ये रूल फॉलो नहीं किया जाता है। ये जो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं जो दिन रात प्रिंसिपल के तलवे चाटते रहते हैं, ये पढ़ाने पे कम और बच्चे को मेंटली डिस्टर्ब करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसे मेंटली इतना वीक बना देते हैं कि आगे जाके वो ऐसा कदम उठा लेता है। पर यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ भी है कि उस स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। देखिए, आजकल के जितने भी गधे प्रिंसिपल की पोजिशन पर बैठे हुए हैं, इनका काम बस स्टूडेंट को मारना या फिर मेंटली डिस्टर्ब करना ही है। अगर स्कूल का कोई स्टूडेंट इनके बच्चे से ज़्यादा हैंडसम हो, ज़्यादा लंबा हो, ज़्यादा पढ़ने में तेज हो, तो ये सारी चीज़ें उनसे सहा नहीं जाता है और अंदर से इनकी जलने लगती है, और एज ए रिजल्ट या तो वो उसको फिजिकली मारेंगे या तो उसको पेरेंट्स की बुलाने की धमकी देंगे। अगर क्लास में कोई लड़का किसी लड़की से बुक मांग लिया तो उस लड़के का नाम काट दो। अगर क्लास में कोई लड़की किसी लड़के से पानी की बोतल मांग ली तो उसका नाम काट दो। और तो और पेरेंट्स बुलाने की धमकी देते हैं। पेरेंट्स को बुलाकर इतना बढ़ा चढ़ा कर बताए हैं, अगर किसी ने मान लो पानी मांगा है किसी से, तो उसमें और ऐड कर देंगे कि ये तो भाई लंच ही बैठ के उसके साथ करती है। ऐसे में पेरेंट्स का भी रोल होता है कि आप उनसे पूरा प्रूफ मांगें। स्कूल में CCTV कैमरा लगा हुआ है, क्या वो आपको वो क्लिप दिखा रहे हैं या फिर वो बहाना मार रहे हैं कि क्लिप डिलीट हो चुका है। और अगर आपको बच्चों की ज़्यादा फिक्र है तो अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने बच्चे तो आपसे संभले नहीं। और तो और ये किसी के भी पेरेंट्स को 1 सेकेंड में स्कूल में बुला लेते हैं, जैसे कि और सबके पेरेंट्स को बस फ्री टाइम ही है, और फेक एलिगेशन यानी झूठे आरोप में बस उस बच्चे को फंसाने लगेंगे, जिससे इनका भी थोड़ा इनकम हो और उस बच्चे के घर में भी कलेश हो, क्योंकि खुद के घर में कलेश डेली होता है और दूसरों के घर में शांति ये देख नहीं सकते। और तो और ऐसे में पेरेंट्स भी अपने बच्चे पे यकीन ना करके उस प्रिंसिपल पे यकीन कर लेते हैं। ज़रा सोचिए क्या बीतेगा उस लड़के या लड़की पे अगर उसने कोई गलत काम किया भी नहीं है, फिर भी उसे झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। ऐसे में अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप भी अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो अगर आगे चल के वो भी कुछ ऐसा गलत कदम उठा लें तो इसका जिम्मेदार प्रिंसिपल होगा या आप।